Hello students, today we going on chemical kinetics unit, lecture number 13. Here we studied Arrhenius equation, Arrhenius समीकरण का study करेंगे और इस equation की help से activation energy को find out करने का equation प्राप्त करेंगे. According to this equation, Arrhenius proved that any chemical reaction depend upon its temperature. अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया ताप पर उसकी परिमाणकता पर निर्भर करती है और इस टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करके मैथमेटिकली एक इक्वेशन क्रिएट किया और उस समीकरण को Arrhenius इक्वेशन कहते हैं. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये Arrhenius इक्वेशन. दिस इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टी ऑन रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के इक्वल्स टू ए ई माइनस, और यहां जो के है वो रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है जबकि ए एक तरह से कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम Arrhenius के नॉमिनेशन के आधार पर इस कांस्टेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. माइनस ई ए बाय आर टी. This equation is known as Arrhenius equation. So in Arrhenius equation, K equals to rate constant, A equals to Arrhenius equation constant. और frequency factor भी इसे कहते हैं. एंड ई ए इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस कांस्टेंट है और टी केल्विन टेम्परेचर के रूप में व्यक्त किया जाता है. इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन वी रिप्रेजेंटेड Arrhenius इक्वेशन इन दिस मोड. इंटीग्रेशन के इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी इक्वेशन टू बना लेते हैं या इसे वैल्यू पुट अप करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2.303 log 10 के इक्वल्स टू 2.303 log 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी इसे इक्वेशन 3 कन्वर्ट करते हैं. इसी को शॉर्ट सिंबलाइज करें देन log 10 के इक्वल्स टू log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी और इसे इक्वेशन 4 बना लेते हैं. In this equation, equation number 1st, 2nd, 3rd and 4th are various mathematical expressions of the Arrhenius equation. अर्थात इस Arrhenius equation को हम विभिन्न आयामों में mathematically represent करते हैं. यहाँ जो activation energy है EA, इसे अलग-अलग मात्रकों, अलग-अलग यूनिटों के लिए निम्न वैल्यूज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं. अगर ई ए का वैल्यू यानी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अर्ग पर मोल में दिया है देन इसके लिए गैस कांस्टेंट आर का मान 8.314 इंटू 10^7 अर्ग पर मोल पर केल्विन द्वारा प्रदर्शित करेंगे. यदि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जूल पर मोल में दिया है देन हम यहां आर का वैल्यू या गैस कांस्टेंट का वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. और यदि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैलोरी पर मोल में दिया है देन आर का वैल्यू 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा. Arrhenius equation represented their factors in it
द कॉन्स्टेंट ए इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसे आवृत्ति कारक भी कहते हैं। और जब हम सिंबल ई ए को रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, देन आर गैस कॉन्स्टेंट एंड टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, बट कॉमनली यहां इसे ई ए अपॉन आर टी को बोल्ट्जमैन फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट ए अर्थात आरएनएस कॉन्स्टेंट एंड रेट कॉन्स्टेंट के आर सेम इन दिस गिवन इक्वेशन। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ दैट ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन लॉक्टेन एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर 1/T अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन विच गिव्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन अ ग्राफ डायग्राम वी नो दैट दिस सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉक्टेन के एंड पॉइंट डिनोटेड बाय बी एंड हेयर इज टेम्परेचर 1/T। द इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लॉक्टेन, ए इक्वल्स टू ओ बी लीनियर लाइन एंड स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R। तो इस ग्राफिकल डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके रिलेशन को अर्थात स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को निम्न रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और स्लोप इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 R एंड इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लॉग 10 ए, संबंध समीकरण प्राप्त होगा। अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल डायग्राम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ स्लोप इज नोन, अर्थात अगर हमें स्लोप का नॉलेज हो तो उसकी मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सो वी सेज दैट दिस एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेस द इक्वेशन फोर्थ ऑन टेम्परेचर T1 एंड T2, डिफरेंशियल टाइप ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, सिंस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ऑफ रिएक्शन एंड फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट ए, जिसे आरएनएस कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन द टेम्परेचर। दस अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड T2, ये दो विभिन्न तापक्रमों के लिए हम इस आरएनएस इक्वेशन के संबंध को निम्न रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर T2 टेम्परेचर लॉग 10 K2 इक्वल्स टू लॉग 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। और इसी प्रकार T1 टेम्परेचर के लिए हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे log 10 K1 इक्वल्स टू log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1। तो ये दो यहां से हमें संबंध समीकरण प्राप्त होते हैं। हेयर K1 एंड K2 इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड T1 एंड T2 आर टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। सो इन दिस केस दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड 2.303 log 10 K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इट इज इन द रिलेशनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अर्थात इस समीकरण की मदद से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। सो फाइनली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे log K2 अपॉन K1
equals to EA. 2.303 R in bracket T2 minus T1 upon T1 into T2. और एक्टिवेशन एनर्जी के फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज किया था. तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि आर्नियस इक्वेशन की मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मूले यानी मैथमेटिकली व्यंजक को ज्ञात कर सकते हैं. तो निम्न या उपरोक्त सूत्र की मदद से किसी दिए गए केमिकल रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर की उपस्थिति द्वारा हम उसकी ईए वैल्यू का अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकाल सकते हैं. Now, use of this equation as a given question. The rate of reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. So, calculate its activation energy. कह रहा है रासायनिक समीकरण में ताप वृद्धि 10 केल्विन कर दी जाए जबकि प्रारंभिक ताप 298 केल्विन है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वह जस्ट डबल हो जाता है. सपोज दैट अगर रेट के है तो 2K हो जाएगा. देन इस केस के लिए कैलकुलेट कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन वैल्यूज T1 का वैल्यू है 298 केल्विन. देन T2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कह रहे 10 केल्विन का इंक्रीज कर रहा है. तो इस T1 टेम्परेचर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री केल्विन को 10 केल्विन टेम्परेचर को एड कर देते हैं एडिट कर देते हैं. देन फाइनली हमें केल्विन टेम्परेचर मिलेगा यहां से 308 केल्विन. तो ये तो दोनों टेम्परेचर हो गए और डिजिट केल्विन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थात केल्विन ताप में लिख रहे हैं. तो T1 और T2 के वैल्यूज हुए. देन अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करें तो K=K1 कह लें या K से रिप्रेजेंट कर लें और टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर जो K2 का वैल्यू है वो डबल हो जाएगा. तो अगर K1 K है तो K2 2K हो जाएगा. इस प्रकार से इस इक्वेशन में EA का वैल्यू हमें ज्ञात करना है सक्रिय ऊर्जा का मान निकालना. सो यहां R का वैल्यू गिवन है 8.314 एंड log 2 का वैल्यू भी है गिवन 0.3010. अब इस इक्वेशन पर बेस्ड कैलकुलेशन यहां करेंगे. सबसे पहले इक्वेशन जो कि हम लोगों ने आर्नियस समीकरण द्वारा प्राप्त किया log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R in bracket T2 minus T1 upon T1 into T2. इस समीकरण की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे. K1 दिया है, K2 दिया है, R का वैल्यू दिया है, कैलकुलेट करेंगे T1 T2 का वैल्यू दिया है और इस कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. देन वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन पर. log K2 का वैल्यू है 2K
अपॉन K1 का है K, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है 2.303 और R का वैल्यू दिया है आपको 8.314 इन ब्रैकेट T2 है 308 केल्विन माइनस करेंगे T1 टेम्परेचर से जो कि है 298 केल्विन अपॉन T1 298 इनटू T2 308 केल्विन। फाइनली इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, K से K कैंसिल आउट करेंगे देन log 2 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इनटू 8.314 इन ब्रैकेट टेम्परेचर माइनस करेंगे तो 10 केल्विन का डिफरेंस आएगा 10 अपॉन 298 इनटू 308। सो EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए वैल्यू पुट अप करें 2.303 इनटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 और अपॉन में कर लेंगे 10। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मिलेगा EA इक्वल्स टू 52897.78 जूल मोल इनवर्स, या इसे दूसरी यूनिट में व्यक्त करेंगे EA इक्वल्स टू 52.9 kJ मोल इनवर्स। तो उपरोक्त इक्वेशन की मदद से हम दिए हुए क्वेश्चन के या दिए हुए समीकरण के आधार पर T1 T2 टेम्परेचर द्वारा, रेट कांस्टेंट K1 K2 की वैल्यूज के द्वारा, सक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू सरलता पूर्वक ज्ञात कर लेंगे।